happy Diwali. Now it's going to be Diwali time. So Diwali के लिए कुछ activity करेंगे. तो Diwali क्यों celebrate करते हैं? वैशाली मैम ने आपको बताया था ना कि जब राम भगवान ने रावण के साथ फाइटिंग की थी और सीता मैम को वापस लेके आए थे, है ना? और जब वो वापस अपने सिटी अयोध्या, अयोध्या नगरी वापस लौटे तो सबने सेलिब्रेट किया था. सेलिब्रेशन के लिए वो लोग ने पूरी सिटी को दिया से, दिया मतलब लाइट लैंप से उसको पूरा डेकोरेट किया था. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. उसे दिवाली की तरह से सेलिब्रेट करते हैं. सो दिवाली इज एक्चुअली द कमिंग होम ऑफ गुडनेस, काइंडनेस एंड विक्ट्री. ओके, इसलिए घर को अच्छे से डेकोरेट करना है और दिवाली मनाते हैं. इस टाइम तो बाहर से बहुत चीजें आप नहीं ला सकते, है ना? तो लेट्स मेक सम डेकोरेटिव थिंग जो आपने खुद ने बनाई हो, समथिंग हैंडमेड. क्या बनाएंगे हम? हम बनाएंगे तोरण, दिवाली तोरण. ओके, सो मटेरियल्स क्या चाहिए आपको? यू नीड लीव्स ऑफ द आसोपालो प्लांट, राइट? आसोपालो प्लांट जो अशोका जिसे बोलते हैं, उनके लीव्स चाहिए. फिर आप थ्रेड यूज करो, कोई भी डेकोरेटिव थ्रेड है आपके पास, रिबिन है, और वो काठी जिसे बोलते हैं जिसे काफी चीजें बांधी जाती है वो है, तो वो भी यूज कर सकते हो. बस हमें ये दो चीजें ही चाहिए. सो बी रेडी विद इट एंड वी मेक दिस तोरण. ओके ओके, सो दीज आर द लीव्स ऑफ द अशोका प्लांट और द आसोपालो प्लांट. देखिए लंबे लंबे है ना, इससे हम तोरण बनाएंगे. अब आपको चाहिए ये लीव्स. आप मेरे पास ये डेकोरेटिव थ्रेड भी है, ये वूल है, दो कलर्स के वूल है, वो भी आप ले सकते हो. ऐसे रिबिन है तो रिबिन यूज कर सकते हो. सो वट एवर यू हैव यू कैन यूज दैट. ऑलराइट, आई एम गोइंग टू यूज दिस डेकोरेटिव थ्रेड. और एक पेंसिल चाहिए, राइट? पहले मैंने ये सारे लीव्स लेके उनको वॉश करना है और फिर अच्छे से क्लॉथ से आप उसे ड्राई कर दो. अगर आपको वॉश नहीं करने, लीव्स बहुत डर्टी नहीं है, तो आप ऐसे उनको रफ क्लॉथ से वाइप करके क्लीन कर सकते हो. ओके, सो ये मैंने थोड़े लीव्स लिए हैं. ओके, नाउ व्हाट विल यू डू? फर्स्ट आप जो थ्रेड है, जिस भी डोर पे आपको ये तोरण लगाना है, ये वॉल हैंगिंग करना है, वहां पे आप उसकी पहले मेजरमेंट ले लो. मैंने ये मेजर किया तो ऑलमोस्ट मुझे थोड़ी कम चाहिए, राइट? आई नीड अ लिटिल लेस, पर मैं थोड़ा प्लेस रखती हूँ सो दैट मुझे टाई करना पड़े कहीं पे तो आई कैन यूज इट. ये मैंने लीफ लिया, ये उसकी फ्रंट साइड है जो डार्क है वो, और जो लाइट साइड है, लाइट कलर है, वो उसकी बैक साइड है. तो हम फ्रंट साइड पे वी विल स्टार्ट. ओके, ऑलराइट. तो ये इसे हमें बेंड करना है ऑलमोस्ट इतना, तो इसके हिसाब से आप छोटा सा यहाँ पे पेंसिल से होल कर दो. ओके, ये होल हो गया. और अब थ्रेड को ऐसे लीफ के ऊपर रख के उसको अंदर फोल्ड करके, ये जो उसकी स्टेम है ना छोटी सी, वो उसे हम होल के अंदर यू फिक्स कर देंगे. देखा, सी इट हैंग्स. कोई स्टिकिंग की जरूरत भी नहीं और किसी फेविकॉल की या किसी की जरूरत नहीं, ऐसे ये लॉक हो जाएगा, इट वोंट कम ऑफ, राइट? ऐसे ही हम वन बाय वन लीफ में होल करो और फिर ये जो स्टेम है उसे थ्रेड अंदर रखना है हमें. ओके, थ्रेड को बाहर नहीं रखना है, थ्रेड अंदर रख के फिर इसे फोल्ड करके ये होल के अंदर इसकी स्टेम को फिक्स कर देंगे. ऑलराइट, सी ये हो गया ना. तो आपको ऐसे वन बाय वन सभी लीव्स ऐसे लगाना है. आई शो इट, शो यू वंस अगेन, आई शो इट टू यू वंस अगेन. तो ये थोड़ी स्पेस रखे, मैंने यहाँ पे होल किया, ये थ्रेड को अंदर लिया, फिर ये लीफ को बेंड किया,
और इसकी स्टेम को होल के अंदर डाल दिया और ये लॉक हो गया. ओके, नाउ आई विल शो यू वन मोर. ऐसे ही आपको जितने भी थ्रेड है आपकी कवर हो जाए उतने आपको लीव्स रखने हैं. Goes inside and it gets locked. Here, see, ये तोरण बनना है ना आपका, बस ऐसे ही पूरा तोरण बनाएंगे. देखो ये पूरा तोरण हो गया ना. मैंने ये सारे लीव्स, देखो आपको बहुत पास पास में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो और इसे स्प्रेड भी कर सकते हो. I'll show you के डोर पे लगाने के बाद कैसा दिखता है. आप छोटा सा टेम्पल है आपके घर में तो वहां पे भी लगा सकते हो, और कहीं पे भी आपको डेकोरेशन करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हो. सो आई विल शो यू व्हेन यू हैंग हाउ इट लुक्स. ओके, सो आप इस तरह से उसको हैंग कर सकते हो. मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लगाया है. आपके घर पे टेम्पल है वहां पे तो छोटा सा मंदिर है वहां पे लगाओ, या डोर पे लगाओ, जहां भी आपको डेकोरेट करना है कर सकते हो. सो अगेन हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू.